कुछ समय पहले एक्टर दीपक तिजोरी और उनकी पत्नी शिवानी को लेकर एक बड़ी खबर आई थी। शिवानी ने दीपक के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया था, साथ ही तलाक की अर्जी भी लगाई थी। अब शिवानी ने दीपक से अपनी बेटी समारा के लिए हर महीने 1,00,000 रुपए की मांग की है, जबकि शिवानी ने दीपक को अपने गोरेगांव के 4 BHK के घर से बाहर निकाल दिया है। दीपक अपने दोस्त के साथ एक PG में रहने को मजबूर हैं, वहीं शिवानी अपनी बेटी के साथ उस फ्लैट में अकेली रहती हैं। डिवोर्स केस के दौरान दीपक को पता चला था कि वो शिवानी के दूसरे पति हैं। शिवानी ने पहले पति से बिना तलाक लिए ही उनसे शादी कर ली थी, इसलिए वो उनकी लीगल वाइफ नहीं है। बता दें कि जब दीपक शिवानी के साथ रहते थे तो उन्हें सिर्फ एक कमरा इस्तेमाल करने की इजाज़त थी, वो पूरे घर का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, घर के नौकर को सख्त हिदायत दी थी कि ना ही उनको खाना दिया जाए और ना ही उनके रूम की सफाई की जाए। वहीं दीपक का आरोप है कि शिवानी का उनके योगा इंस्ट्रक्टर के साथ अफेयर है, जो उनसे काफी छोटा है। पेशे से फैशन डिजाइनर शिवानी का कहना है कि वो अपना और बेटी का खर्चा नहीं उठा पा रही हैं, इसलिए उन्हें अपने पति से पैसे चाहिए। शिवानी का कहना है कि समारा जब तक 20 साल की नहीं हो जाती, तब तक दीपक को हर महीने 1,00,000 रुपए देने होंगे। हालांकि समारा ने अपने पिता पर कोई केस फाइल नहीं किया है। दीपक को भी काफी समय से कोई काम नहीं मिला है, ऐसे में उनके लिए 1,00,000 रुपए देना काफी मुश्किल है।